हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल प्लान के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल प्लान क्या होता है, कितने तरह के कंट्रोल प्लान बनाए जाते हैं और इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। वैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो फॉर्मेट भरते हैं उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस हम यही समझेंगे। दोस्तों मैं सतीश रंजन, चलिए बात करते हैं कंट्रोल प्लान के बारे में। दोस्तों कंट्रोल प्लान पीपीएफ का एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको कि पीएफएमई करने के बाद हम लोग कंट्रोल प्लान बनाते हैं। कंट्रोल प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है एक्शन, जैसे जैसे मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक पॉइंट और प्रोसेस के जो पैरामीटर होते हैं उसको डिस्क्राइब करता है, जो प्रोसेस के प्रत्येक फेज के लिए जरूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो प्रोसेस का आउटपुट है वह पूर्व निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, जो कि कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को मीट करेगा। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट, प्रोसेस, मशीन, मशीनरीज, इन सब मेथड, इन सब को कंट्रोल करता है। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उस स्टेशन पर जिस मशीन के थ्रू हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उन सबको कंट्रोल किया जाता है कि हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, इस तरीके से इसको मेजरमेंट करेंगे, ये हमारा पैरामीटर रहेगा, उन सब चीज़ों को लिस्टिंग किया जाता है कंट्रोल प्लान के थ्रू। ये होता है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान का जो इनपुट होता है वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम और प्रोसेस फेलियर में मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, इन दोनों से लिया जाता है। दोस्तों हम लोग कंट्रोल प्लान को तब बनाते हैं जब कोई प्रोसेस चेंज होता है या न्यू प्रोसेस डेवलप किया जाता है, तब हम लोग कंट्रोल प्लान को बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कंट्रोल प्लान कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्लान क्या है। तो दोस्तों कंट्रोल प्लान तीन तरह के होते हैं, तीन तरीके से इसको बनाया जाता है, जिसमें पहला होता है प्रोटोटाइप, दूसरा होता है प्री लॉन्च और तीसरा होता है प्रोडक्शन। ये तीन तरह के कंट्रोल प्लान बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। जो पहला होता है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, इसमें क्या होता है कि ये जब हम लोग बनाते हैं जब हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में होता है या अर्ली फेज में होता है, जब हम लोग इस डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तब इसको बनाते हैं। कुछ प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें हम लोग डायमेंशन, मेजरमेंट, मेथड, परफॉर्मेंस टेस्ट, इन सबको दर्शाते हैं। दूसरा होता है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, इसको तब बनाया जाता है जब प्रोटोटाइप फेज कंप्लीट हो जाता है लेकिन प्रोडक्शन का अप्रूवल अभी मिला नहीं होता है, उसको तब बनाया जाता है। तीसरा होता है प्रोडक्शन, यह तब बनाया जाता है जब कंपोनेंट फुल प्रोडक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है। मतलब हम ये जो जो भी पैरामीटर है, जो कुछ भी है, इन पे हम प्रोडक्शन को फुल रन कर सकते हैं, ये सारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल प्लान के फॉर्मेट के बारे में, कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट कैसा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, जो तीन टाइप के कंट्रोल प्लान होते हैं वो ऊपर में लिखे रहते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, प्रोडक्शन। आप जिसके लिए भी कंट्रोल प्लान बना रहे हैं उस पर टिक कर देंगे कि हमारा ये इसके लिए कंट्रोल प्लान बना रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लान नंबर आता है, उसके बाद पार्ट का नेम क्या है, पार्ट नेम कौन सा है, कोर टीम कौन कौन सा है। कंट्रोल प्लान जब भी बनाते हैं हम लोग तो कोर टीम होती है, सीएफटी टीम होती है, जिसके थ्रू बनता है, जो सारे मिलकर के इसको बनाते हैं। उसके बाद डेट होता है, ओरिजिन डेट, रिविजन डेट, कब बना, कब रिविजन हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। पार्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, पार्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल डेट, ये सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं जो सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे के जो रो हैं उसमें क्या होता है, पार्ट प्रोसेस नंबर, आप यहाँ पे लिख देंगे कौन सा प्रोसेस नंबर है, प्रोसेस का नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, किस मशीन से कर रहे हैं,
कौन सा टूल जी पिक्चर कौन सा है क्या है, सारी डिटेल्स आप लिख लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर एक प्रोडक्ट और प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके का है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास लिखेंगे आप कि ये किस क्लास में आता है, ए बी सी किस क्लास में आता है। उसके बाद मेथड जो होता है, मेथड होता है प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, उसको चेकिंग करने का मेथड क्या है आपका, स्पेसिफिकेशन क्या है। उसके बाद इवोल्यूशन जो आपका मेजरमेंट टेक्निक है, आप किस तरीके से उसको चेक कर रहे हैं, आप किस साइज में कितने की साइज है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे कितने की साइज है, आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब आप जो चेक करेंगे, मान लीजिए आपका साइज है 500 पीस का लॉट है, उसमें फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हम 5 पीस चेक करेंगे 10 पीस चेक करेंगे उस तरीके से। इसको कंट्रोल मेथड क्या है, कंट्रोल हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्या इसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम, क्या इसके लिए अलग से इंस्पेक्शन मेथड, ये कुछ तरीके से ऐसा होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर रिएक्शन प्लान क्या है आपका, ये सारी चीज़ें कंट्रोल प्लान में होता है, इसको पूरे अच्छे तरीके से भरा जाता है, जिससे कि हमारा जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट के पैरामीटर है, मशीन पैरामीटर, वो सारे इसमें कंट्रोल हो जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।